Hello everyone. We'll continue with our space technology. Last time हमने space tech में इसरो उसके जो launch vehicles हैं, फिर उसके जो missions हैं जैसे चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान, आदित्य L1, इन सारे missions को हमने wind up करा था. So हम अब इसरो से हटके हम आगे उसके peripheral topics की तरफ पढ़ेंगे. आपके सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन करा गया है रिमोट सेंसिंग, तो हम आज उसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे रिगार्डिंग रिमोट सेंसिंग. देखते हैं रिमोट सेंसिंग. रिमोट सेंसिंग हमारे लिए 3 मार्कर 5 और 11 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा. पहले देखते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में. व्हाट इज रिमोट सेंसिंग एज अ 3 मार्कर? इट जनरली रेफर्स टू यूज ऑफ एरियल सेंसर टेक्नोलॉजीज to detect and classify objects on earth. Simple language में हम बात करें, remote sensing क्या है? ये एक technology है जहाँ पे हम aerial sensor technology का utilize कर रहे हैं. Now ये aerial sensor technology क्या है? कोई भी technology जो कि earth के surface के ऊपर से, जैसे कि कोई radar हो गया, satellite हो गया, drone हो गया, ये क्या earth के surface के ऊपर से अगर earth को ये observe करती है, रिमोट लोकेशन से अगर अर्थ को मॉनिटर करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, और किसके सहारे? बाय मींस ऑफ प्रोपगेटेड सिग्नल. दैट मींस ये जो रिमोट सेंसर्स हैं, मशीन्स हैं, या क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल सेंड कर रहे हैं अर्थ पे, और उसी सिग्नल्स को यूज करके जब वो डेटा कलेक्ट करते हैं, इसी डेटा या फिर इसी टेक्निक को हम क्या कहते हैं? रिमोट सेंसिंग. कुछ रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस के एग्जांपल्स देख लेते हैं. सैटेलाइट्स. अब सैटेलाइट्स क्या करते हैं? अर्थ के इमेज फोटोग्राफ वगैरह लेते हैं, फिर IR इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल करके इमेज वगैरह क्या करते हैं, लेजर के सहारे अर्थ के सरफेस को मैप आउट करते हैं, जो हाइट वगैरह है वो मेजर कर सकते हैं. स्पेस क्राफ्ट. जो हम स्पेस क्राफ्ट की बात कर रहे हैं, हम बात करें स्पेस स्टेशन की या फिर मैन मिशन की, जहाँ पे स्पेसक्राफ्ट के सारे ह्यूमंस दे वेंचर इनटू आउटर स्पेस और स्पेस स्टेशन में वो रहते हैं, और रहने के साथ साथ वो अर्थ को मॉनिटर भी करते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं. एयरबॉर्न रडार्स, जो एरोप्लेन के ऊपर रडार वगैरह लगे रहते हैं, उन रडार्स के सहारे भी आप क्या कर सकते हो? अर्थ का जो टेरेन है उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, मैप आउट कर सकते हो. एरोस्टाट्स. जब हम एरोस्टाट की बात करते हैं, क्या एक बड़ा सा बलून जैसा है, लेकिन ये बलून क्या होता है? ग्राउंड से डिटैच मोड पर रहता है, ऐसे हवा में फ्लोट होता रहता है. तो इसमें कैमरा वगैरह लगे रहते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं? अर्थ के सरफेस को ये मॉनिटर कर सकता है. एंड लास्ट वन ऑफ कोर्स ड्रोन्स, रिमोट ऑपरेटेड ड्रोन्स. ये एयर में उड़ते रहते हैं, एंड वाइल फ्लाइंग व्हाट दे डू इज दे कैन लाइव स्ट्रीम व्हाट इज हैपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं रिगार्डिंग रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस एंड हाउ दे कलेक्ट डेटा फ्रॉम अर्थ थ्रू रिमोट सेंसिंग. यहाँ पे हमने एक टर्म यूज करा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आप फिजिक्स में पढ़ोगे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एज अ 3 मार्कर व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ऑल अराउंड अस एंड टेक्स मेनी फॉर्म्स. ये एक एनर्जी है जो कि हमारे चारों तरफ मौजूद है, एंड इट कैन बी इन मेनी फॉर्म्स सच एज रेडियो वेव्स, या फिर जिसे आप रेडियो सिग्नल कहते हो, माइक्रोवेव्स, एक्सरे, गामा रे. सो ऑल दीज रेज आर योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. नेक्स्ट, सनलाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, बट विजिबल लाइट इज ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. नॉर्मल जो सनलाइट हम देख रहे हैं वो सनलाइट का विजिबल स्पेक्ट्रम है, इसका एक इनविजिबल स्पेक्ट्रम भी मौजूद है. एंड अगेन, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक एग्जांपल, लेकिन ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाता. लेकिन सन रेज में जो यूवी रे है, IR रे है, जो गामा रेज है, ये हमारे लिए हार्मफुल है, एंड दीज आर ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज. नेक्स्ट, विच कंटेन्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ. जो सनलाइट है उसमें बहुत सारे वेवलेंथ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मौजूद हैं. ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम 3 मार्कर के हिसाब से मार्क करेंगे. तो वापस से, व्हाट इज रिमोट सेंसिंग? ये एक
रिमोट सेंसर टेक्नोलॉजी है जिसके सहारे हम क्या कर सकते हैं, अर्थ के सरफेस को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं फ्रॉम अवे द अर्थ, ग्राउंड से दूर होते हुए हम क्या कर सकते हैं अर्थ के सरफेस को पूरी तरह से मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस मेंशन करे गए थे, उन डिवाइसेस को भी हम याद रखेंगे, दो तीन से हमारा काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये भी आपके सिलेबस में मेंशन करा गया है। सिलेबस में ये मेंशन करा गया है हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग इन इंडिया, तो हम क्या करने वाले हैं जनरल वर्ल्ड के हिसाब से पढ़ेंगे फिर इंडिया की तरफ आएंगे। एंड अगेन ये जो टॉपिक है ये इवन दो इट इज मेंशन मींस बेसिकली इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक ब्रीफ इंट्रो ले लेंगे कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन इंडिया। देखते हैं, द हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग बिगिंस विद फोटोग्राफी। जब आप कहीं दूर से कोई भी चीज के डेटा कलेक्ट करते हो तो उसी को हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं, एंड फोटोग्राफी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिमोट सेंसिंग। हम कैमरा लेके दूर से क्या करते हैं, इमेजेस वगैरह कैप्चर करते हैं, फोटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो जब कैमरा वगैरह का इन्वेंशन हुआ था या फिर फोटोग्राफी को डेवलप कराया गया था तब से रिमोट सेंसिंग की शुरुआत हो गई थी। रिमोट सेंसिंग बिगेन इन 1840s एज बलूनिस्ट टुक पिक्चर्स ऑफ द ग्राउंड वाइल यूजिंग द न्यूली इन्वेंटेड फोटो कैमरा। आपने मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट्स में देखा होगा, हॉट बलून्स होते हैं जो बलून जैसे होते हैं, उस नीचे एयर हॉट एयर पंप करके क्या करते हो बलून को फ्लोट कर सकते हैं और उस बलून में ह्यूमंस कैन ऑल्सो ट्रेवल, हॉट बलून। नाउ व्हाट हैपेंस इज उसी हॉट बलून की वजह से बहुत 1840s में इंडिविजुअल्स आर गोइंग टू ट्रैवल, लोग ट्रैवल करेंगे, साथ ही साथ वो अपने साथ एक कैमरा वगैरह लेके जाएंगे। व्हाट दे आर गोइंग टू डू इस बलून को इस्तेमाल करके वो अर्थ के सरफेस पे क्या हो रहा है क्या नहीं और उसके इमेजेस कैमरा से कैप्चर करेंगे। एंड दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ हाउ रिमोट सेंसिंग स्टार्टेड ऑन अर्थ, यहीं से रिमोट सेंसिंग की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, एरियल फोटोग्राफी बिकेम अ वैल्यूएबल रिकॉनिसेंस टूल, स्पाई करने के लिए, जासूसी करने के लिए, एनिमी की क्या प्रिपरेशन वगैरह वहां पे जानकारी करने के लिए एरियल फोटोग्राफी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। कब? ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड इट केम फुल्ली इनटू इट्स ओन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जस्ट स्पाइंग के लिए, जासूसी करने के लिए, दूसरों पे नजर रखने के लिए रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल कराया गया था, फोटोग्राफी का इस्तेमाल कराया गया था, एरियल फोटोग्राफी, एरोप्लेन के सारे पिक्चर्स वगैरह कैप्चर करना, बलून के सारे पिक्चर वगैरह कैप्चर करना। बट वर्ल्ड वॉर टू का सिचुएशन ही अलग हो गया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के दौरान बहुत सारे एडवांस इक्विपमेंट्स डेवलप करे जाएंगे और इन एडवांस इक्विपमेंट के सहारे एनिमीज आर गोइंग टू वॉच ओवर ईच अदर। देखते हैं इसके बारे में, द ओरिजिन ऑफ अदर टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, मतलब फोटोग्राफी के अलावा, वो बलून में बैठ के जो फोटोग्राफी उसके अलावा अलग रिमोट सेंसिंग की हम बात करें, द अदर टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग कैन बी ट्रेस टू वर्ल्ड वॉर टू विद डेवलपमेंट ऑफ रडार, सोनार एंड थर्मल इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम्स। तो वर्ल्ड वॉर टू में रडार, सोनार और थर्मल इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम जैसे रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स को डेवलप कराया गया। जैसे रडार में क्या करा जाता है, रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करा जाता है टू आइडेंटिफाई कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है। सोनार में साउंड वेव्स का इस्तेमाल करा जाता है टू ऑब्जर्व, यूजुअली मिलिट्री के एस्पेक्ट से देखें तो समंदर में कोई सबमरीन वगैरह है या नहीं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उस समय डेवलप कराया गया था। फिर थर्मल इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम के सहारे जो नाइट टाइम लाइट वगैरह ना होने की वजह से थर्मल इमेज वगैरह के जरिए हम क्या कर सकते हैं, जो आर्मी की मूवमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं। सो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू बहुत सारे रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई है। ठीक, नेक्स्ट, टुडे अ वाइड वेराइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल फॉर यूज इन हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज। जो वाटर है अर्थ के सरफेस पे जो वाटर है या फिर जो ग्राउंड वाटर लेवल है उन सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए हम रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। अर्थ मैपिंग, अर्थ की जो टेरेन है उसको मैप आउट करने के लिए, कहाँ पे माउंटेन है, कहाँ पे हिल्स है, कहाँ पे रिवर है, कहाँ पे रेवाइन है, कहाँ पे लोकेलिटी है, कहाँ पे जंगल है, ये सारी चीज़ों को मैप आउट करने में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कार्टोग्राफी, इसके सारे हम ओशन को स्टडी कर रहे हैं, ओशन मैपिंग वगैरह भी कर रहे हैं, ओशन फ्लोर को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। रिमोट सेंसिंग हैज बिकम अ मेजर टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक टूल यूज टू मॉनिटर
प्लैनेटरी सर्फेसेस एंड एटमोसफियर। कल ही हमने पढ़ा था मंगलयान चंद्रयान दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या था। चंद्रयान एंड मंगलयान के सारे हमने मून और मार्स के एटमोसफियर को हमने स्टडी करा, उसके सरफेस के इमेजेस लिए थे, फोटोग्राफ वगैरह लिए थे, उसकी हाइट वगैरह, वहाँ पे जो टेरेन है उसकी हाइट वगैरह मेजर कर दी। ये सब रिमोट सेंसिंग का ही तो एक एप्लीकेशन। सो आज हम रिमोट सेंसिंग के क्या से क्या कर सकते हैं, दूसरे प्लैनेट्स को मॉनिटर भी कर सकते हैं, उनके एटमोसफियर को स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक, सो दिस इज हाउ रिमोट सेंसिंग हैज इवॉल्व फ्रॉम जस्ट अ फोटोग्राफ थ्रू अ कैमरा बाय फ्लाइंग इन अ हॉट एयर बलून into developing spacecraft that can observe or monitor other celestial bodies. Next, अब हम आगे बढ़ेंगे towards how remote sensing evolved in India. 1840s में वर्ल्ड में शुरू हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ आते आते ऑल ओवर द वर्ल्ड रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस लॉन्च होनी शुरू हो जाएगी या फिर डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं इंडिया ने क्या करा है। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-1A एंड इट वॉज लॉन्च्ड सक्सेसफुली ऑन March 17, 1988 विद हेल्प ऑफ USSR। जब हम रिमोट सेंसिंग की बात करते हैं तो इंडिया का सबसे पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कब लॉन्च करा गया था, 1988 में, और यहीं से इंडियन रिमोट सेंसिंग की शुरुआत होती है। सो दिस इज हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग इन इंडिया। तो सबसे पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हमने कब लॉन्च करा, 1988 में। लेकिन ये हमारी कैपेबिलिटी नहीं थी, हमने उसमें USSR की मदद ली थी और इसे लॉन्च करा था। नेक्स्ट, फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स सीरीज ऑफ IRS स्पेसक्राफ्ट्स वेर लॉन्च्ड विथ एनहांस्ड कैपेबिलिटीज इन पेलोड एंड सैटेलाइट प्लेटफॉर्म। 1988 के बाद इसरो ने बहुत सारे एडवांस्ड IRS सैटेलाइट्स को डेवलप करा है। IRS missions are based on specific applications like natural resource monitoring, ocean, atmospheric studies and cartographic applications. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि IRS missions की, IRS के जो missions है वो बड़े objectified है, that means वो specific in nature है, जैसे कि they are responsible for natural resource monitoring, जो अर्थ के ऊपर जो natural resources है उन्हें मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं, ओशन को मॉनिटर करने में, एटमॉस्फेयर को स्टडी करने में, एटमॉस्फेरिक जो गैसेस हैं उनको स्टडी करने में, प्लस सी फ्लोर ओशन फ्लोर को मैप आउट करने में यूज करा जा रहा था। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं लैंड एंड वाटर रिसोर्स एप्लीकेशन, लैंड और वाटर रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, चेकआउट करने के लिए हमने IRS सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करा, जैसे कि रिसोर्स सैट सीरीज और रीसैट सीरीज के सैटेलाइट्स। तो यहाँ पे एप्लीकेशन दे रखा है और उसमें कौन कौन से सैटेलाइट्स इंडिया ने लॉन्च करे हैं हम उसकी भी बात कर रहे हैं। ओशन एंड एटमॉस्फेरिक स्टडीज, ओशन और एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए ओशन सैट सीरीज, ये ओशन के लिए, और एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए इनसैट VHRR, इनसैट 3D एंड मेघा ट्रॉपिक्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेघा ट्रॉपिक्स ये प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड सरल जैसे हमने सैटेलाइट्स को लॉन्च करा टू स्टडी द एटमॉस्फेयर। फिर लार्ज स्केल मैपिंग एप्लीकेशन, अर्थ की सरफेस को लार्ज स्केल ये पे मैप आउट करना, ऑब्जर्व करना, इसके लिए हमने क्या यूज करा है, कार्टोसैट सीरीज, जो कि ओशन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है उन्हें ये मॉनिटर करेंगे और स्क्रूटनाइज करेंगे प्लस उनको मैप आउट करेंगे। वैसे ऑब्जेक्टिव तो यही था इंडियन ओशन के लिए, बट हम पेरिफेरल ओशंस को भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। So these are some of the objectives that Indian IRS remote sensing satellites are doing for India. Next, आगे बढ़ेंगे। Today, the array of Indian Earth observation satellites. Again, Indian Earth observation satellites are also your remote sensing satellite. Earth को observe करने के satellite कहाँ fly करेगा? Earth के atmosphere के बाहर। तो ये एक रिमोट सेंसिंग का ही तरीका है, बस नाम अलग है। सो टुडे द एरे ऑफ इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स विद इमेजिंग कैपेबिलिटीज हैव बीन प्रोवाइडिंग स्पेशल रिजोल्यूशन रेंजिंग फ्रॉम 1 किलोमीटर टू बेटर देन 1 मीटर। पहले के कंपेरिजन में अगर हम आज के IRS सैटेलाइट्स की बात करें, उनकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ गई है, जो रिजोल्यूशन है वो भी ब्राइटर हो चुका है।
पहले 1 किलोमीटर का रिजोल्यूशन शो कर, जो इमेज शो होती थी वो 1 किलोमीटर का होता था, लेकिन अब वो क्या है, वो बहुत माइन्यूट हो चुका है, अब वो 1 मीटर की एक्यूरेसी से चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। दे कैन रिपीट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 20 to 22 days टू एवरी 15 मिनट्स। जब शुरुआत में जो IRS सैटेलाइट्स को लॉन्च करा गया था, वो एक स्पेसिफिक पॉइंट के चक्कर लगाने में 22 दिन लगा देते, लेकिन आज की तारीख में IRS सैटेलाइट्स जो इतनी तेज हो गई हैं, इतनी एफिशिएंट हो गई हैं कि हर 15 मिनट में वो हमारे सर के ऊपर से चक्कर लगा लेंगे। दैट मीन्स वी कैन हैव डेटा ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया इन एवरी 15 मिनट्स। मान लेते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट में इसका अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट में इससे हेल्प मिल सकती है, एफोरेस्ट्रेशन प्रोग्राम में भी इसकी मदद हो सकती है। कोई अगर पेड़ काट रहा है हर 15 मिनट में, क्योंकि सेटेलाइट एक ही एरिया से मूव कर रहा है तो चेक करता रहेगा, कहीं पे फ्लड वगैरह आया है, कहीं पे डिजास्टर हुआ है, तो हर 15 मिनट में हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, फोटोग्राफ ले सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये सिचुएशन में चेंजेस आई है। नेक्स्ट, प्रोफेसर PR पिशारोती, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड इंडियन मेट्रोलॉजिस्ट ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंडियन रिमोट सेंसिंग। ये हमारे लिए प्री के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन रिमोट सेंसिंग? प्रोफेसर PR पिशारोती। ये हमारे नोट्स में मेंशन नहीं है, हम इसे एड ऑन करेंगे। अगेन, हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये हमारे नोट्स में नहीं है। अभी जो स्लाइड्स में आपको शो करा गया है उसको एज इट इज कॉपी डाउन कर लीजिएगा, इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसके PDF से हमें कोई लेना देना नहीं। अगेन, हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग ये मोर प्री ओरिएंटेड है रादर देन मेंस ओरिएंटेड। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग कितने टाइप के हो सकते हैं? बेसिकली जो रिमोट सेंसिंग है दो टाइप्स के हैं, एक है एक्टिव रिमोट सेंसिंग, दूसरा है पैसिव रिमोट सेंसिंग। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, एक एक करके देखेंगे। पहला है एक्टिव रिमोट सेंसिंग। क्या है एक्टिव रिमोट सेंसिंग? इट एमिट्स एनर्जी इन ऑर्डर टू स्कैन ऑब्जेक्ट्स एंड एरियाज वेयर अपॉन अ सेंसर देन डिटेक्ट्स एंड मेजर्स द रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड और बैक स्कैटर्ड फ्रॉम द टारगेट। तो एक्टिव रिमोट सेंसिंग में होता यह है कि जो हमारा रिमोट सेंसर है या फिर जो डिवाइस है वो क्या करता है, एनर्जी एमिट करता है, और ये एनर्जी जब रिफ्लेक्ट बैक होता है तो उसे रिफ्लेक्टेड बैक डेटा को कलेक्ट करके ये क्या करेगा, हमें इंफॉर्मेशन सेंड करता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे डायग्राम पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे डायग्राम पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे एक सैटेलाइट है जो कि आउटर स्पेस में है एंड ये अर्थ है। नाउ व्हाट दिस सैटेलाइट डज इज, ये अर्थ के ऊपर रेडिएशन को एमिट करेगा, ठीक। ये रेडिएशन अर्थ पे आके टकराएंगे, टकराने के बाद क्या होगा, ये वापस रिफ्लेक्ट बैक होंगे। जब ये रिफ्लेक्ट बैक होती है, इसे रिफ्लेक्टेड रेडिएशन को मॉनिटर करके वो क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। टेरेन मैपिंग में होता क्या है, सैटेलाइट से लेजर लाइट एमिट होगी अर्थ के सरफेस के ऊपर। अब ये जब लेजर वापस से रिफ्लेक्ट होगा तो ये जो टाइम डिले आता है, एमिशन और रिफ्लेक्शन में जो टाइम डिले आता है, उस टाइम डिले को यूटिलाइज करके ये क्या करते हैं, हाइट वगैरह मॉनिटर करते हैं। सो दिस टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग इज नोन एज एक्टिव रिमोट सेंसिंग। तो इसमें होता क्या है, जो डिवाइस है वो एनर्जी एमिट भी करती है और रिफ्लेक्टेड एनर्जी को रिसीव भी करती है, एमिशन एंड रिसीविंग द एनर्जी। अगर दोनों चीज साइमल्टेनियसली कोई डिवाइस कर रही है फॉर कलेक्टिंग डेटा, इसी को कहते हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग। वापस रेफरेंशियल देखते हैं, इट एमिट्स एनर्जी इन ऑर्डर टू स्कैन ऑब्जेक्ट, जैसे कि वहां से कोई IR रेडिएशन या फिर लेजर लाइट को एमिट करा, जिसके हमने क्या करा, एक स्पेसिफिक एरिया को स्कैन करा। नेक्स्ट, उसके बाद होगा क्या, जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है, whereupon a sensor then detects and measures the radiation that is reflected or back scattered from the target. तो फिर होता क्या, जो रिफ्लेक्टेड रेज है उसको एक और डिवाइस क्या करती है, कैप्चर करती है और स्टडी करती है, फिर उसके बाद डेटा को कलेक्ट करा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, रडार एंड लिडार। रडार का फुल फॉर्म क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यहाँ पे क्या करिए थे, रडार में रेडियो वेव्स को एमिट करा जाता है जो कि रिफ्लेक्ट होकर वापस आते हैं। लिडार का फुल फॉर्म क्या है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जहाँ पे लेजर लाइट को एमिट करा जाता है और रिफ्लेक्टेड लाइट को रिसीव
करा जाता है। लेकिन रडार और लेडार को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। दीज आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव रिमोट सेंसिंग वेयर द टाइम डिले बिटवीन एमिशन एंड रिटर्न इज मेजर्ड एस्टेब्लिशिंग द लोकेशन स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो रडार और लेडार के सहारे जो टाइम लैग आता है ड्यूरिंग एमिशन एंड रिसीविंग या फिर रिफ्लेक्शन, इसी दौरान का जो टाइम लैग आता है इसी दौरान हम क्या कर सकते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट की लोकेशन को या फिर स्पीड को प्लस डायरेक्शन को हम क्या कर सकते हैं मॉनिटर कर सकते हैं। फिर द सेकेंड टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग पैसिव रिमोट सेंसिंग, द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे पैसिव रिमोट सेंसिंग, देखते हैं इसके बारे में। पैसिव सेंसर्स गैदर रेडिएशन दैट इज एमिटेड और रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग एरिया। एक्टिव में क्या था, जो डिवाइस है वो एमिट भी कर रही थी और रिसीव भी कर रही थी, लेकिन पैसिव में रिसीविंग तो है एमिशन नहीं है। तो यहाँ पे पैसिव सेंसर्स क्या करते हैं, अर्थ की सरफेस से जो रेज या फिर जो सिग्नल रिफ्लेक्ट हो रही है उस रिफ्लेक्टेड सिग्नल को ये कैप्चर करते हैं, ठीक। मतलब ये वन वे काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक्टिव टू वे चल रहा था, ये एमिट भी कर रहा था रिसीव भी कर रहा था, लेकिन पैसिव में वन वे काम चलेगा, बस ये रिसीव कर सकता है एमिट नहीं करेगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, रिफ्लेक्टेड सनलाइट इज मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ रेडिएशन मेजर्ड बाय पैसिव सेंसर्स। एग्जांपल ऑफ पैसिव रिमोट सेंसर्स इंक्लूड फिल्म फोटोग्राफी इंफ्रारेड एंड रेडियोमीटर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं सनलाइट, सन से ये लाइट कहाँ फोकस होती है, अर्थ के सरफेस के ऊपर, ठीक। सन से ये लाइट एमिट होगी अर्थ के सरफेस के ऊपर, फिर अर्थ के सरफेस से लाइट क्या होती है रिफ्लेक्ट होती है कि नहीं। अब इसी रिफ्लेक्टेड लाइट को सैटेलाइट क्या करता है कैप्चर करता है फोटोग्राफ के फॉर्म में। अगर सन का लाइट अर्थ के ऊपर फोकस होता ही नहीं और वो लाइट अगर रिफ्लेक्ट बैक होता ही नहीं तो सैटेलाइट को कुछ दिखता नहीं, क्योंकि आपको पता होगा अपने बचपन में फिजिक्स में पढ़ा होगा रिफ्लेक्टेड लाइट से ही किसी भी चीज का कलर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अर्थ में क्या हो रहा है क्या नहीं, कौन से कलर की चीजें हैं नहीं है, वो सैटेलाइट कैसे डिफ्रेंशिएट करती है उसी रिफ्लेक्टेड लाइट। और ये रिफ्लेक्टेड लाइट आया कहाँ से था, अर्थ से ही रिफ्लेक्ट हुआ था जो कि सन से ओरिजिनेट हुआ था। सो दिस इज योर पैसिव रिमोट सेंसिंग। आज टॉपिक को यही वाइंड अप कर रहे हैं, कल हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे जहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग पढ़ेंगे, प्लस दो एसोसिएटेड टॉपिक्स हैं GIS GPS, इन दोनों टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे, ठीक। हैव ए गुड डे, टेक केयर।